Firstly, may I please invite Mr. Muzaffar Ali to please come forward. May I also invite the very wonderful and the beautiful Mrs. Meera Ali, who's also produced the film and she's also designed the costumes, staying very true to the soul of Avadh. A very warm welcome, ma'am. And may I please invite, if I'm a girl right now here, if I'm blushing enough to say, I'm sure the girls here will be blushing enough to hear. We have the heartthrob all the way from Pakistan who has joined us to showcase the trailer. May I please invite Imran Abbas as well, flashing his beautiful smile. I'm making her debut in the Indian film industry, having been such an acclaimed Kuchipudi dancer. I've been a huge fan of her dance as well. In fact, through this film, she's also showcased her beautiful dancing skills. Most importantly, we have all known her as a fashion entrepreneur, the fashionista that she is. But we'll get to see a very beautiful avatar of hers in this film. Let's please also invite Pernia Qureshi. A very warm welcome. So, yes, now it's time that you सबके मन में जो भी क्वेश्चंस है, इट्स टाइम टू गेट स्टार्टेड विद द अच्छा पहले फोटोग्राफी यहाँ फोटो सेशन हो जाए पहले लेट्स हैव Well, friends, star cast ki baat ki jaye. In fact, we'll keep the photos also going because aapke liye ek aur surprise hai. As we know, we have the veteran of Indian film industry, Mr. Daleep Tahir, and we also invite Mr. Pappu on the stage as well. Bahut hi mahatvapurna kirdaar nibhaya inhone, so we'll have them also on the stage. Thank you very much. It's time to get started. I'm going to pass on the mics, jo hai, hamare members of the jo yahan pe hai star cast, unko main mics pass kar lo taki there shall not be any interruption. Yes, that's for you. Okay, so let's get started with the main thing, which is the questions. Hai. Sir, would you like to start? Please, yeah. Sir. मुझे आपसे दो सवाल पूछने हैं. पहला सवाल हो कि इतने लंबे गैप आप 30 साल के बाद आ रहे हैं वापस तो एक सवाल ये है और दूसरा सवाल ये है कि जानी सर उमराव जान से कितनी मिलती जुलती फिल्म है तो पहला सवाल तो मुझे लगता है ये ऐसा सवाल है कि जो हर आदमी का जवाब होगा अब मैं क्या कहूँ ट्रैफिक जाम बहुत था इसलिए पहुँचने में 30 साल लग गए लेकिन मैं जो फिल्म बनाता हूँ वो मेरे एक दिल का सफ़र होती है और मैं सिर्फ बाज़ार के लिए तो फिल्म बनाता नहीं हूँ और उमराव जान भी एक दिल का सफ़र था उसके बाद भी जो मैंने कदम उठाए वो भी सब एक हमारी अंदर की जर्नी थी और मैं अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ हालांकि मेरा पूरा दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय है लेकिन हमारी जो ज़मीन है मेरे ख्याल में हर आर्टिस्ट को अपनी ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए तो मैं सोचता रहा कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो दुनिया को हम बता सकते हैं अपनी सरजमीन के बारे में और जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी वो ये है कि किस तरीके से हम लोगों पर हुकूमत की किस तरीके से हम लोगों को धोखा दिया गया और हम लोगों को एक तरीके से खंडित किया गया तो ये वो कुर्बानियाँ हैं जो 1857 में हमने दी थी जिनका इतिहास दबा दिया गया जला दिया गया तो उन उस वो जो गुमनाम शहीद हैं आज़ादी के उनकी बात है ये उनकी कहानी है उनकी उनका संघर्ष है उनकी जानेसारी है और अब इसके बाद तो कुछ कहना मुश्किल है कि इसमें उमराव जान में इसमें क्या मतलब सिमिलैरिटी है और क्या फ़र्क है उमराव जान अपने वक्त की कहानी है वो एक अजीब अलग तरह का एक इमोशनल डॉक्यूमेंट था ये एक इमोशनल्स के साथ साथ ये एक वतन परस्ती कभी इसमें एक कभी इसमें भावना है जज्बा है तो यही फ़र्क है कि वो सिर्फ़ एक इमोशनल डॉक्यूमेंट था एक बच्ची की
बेबसी की कहानी थी, वो बहुत मुश्किल है उसको दोहराना, और ये कहानी जो है ये वतन परस्ती की कहानी है, जो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आजकल वतन परस्ती लोग समझ नहीं पाते कि वतन परस्ती है क्या। वतन परस्ती मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक दूसरे के बीच एक मोहब्बत रहना, यही सबसे बड़ी वतन परस्ती। अगर एक मुल्क ऐसा है जहाँ लोग एक दूसरे को हेट करते हैं तो वो वतन नहीं है। तो ये वो वतन है जिसको अंग्रेज़ों ने हमारे जहन में एक जहर डाला, और इस वक्त हमको आज़ादी जो हमने पहली लड़ाई लड़ी, उसके बाद जो हमारी आखिरी लड़ाई थी 1947 की, उसके बाद हमें नतीजा क्या दिया, हमको दो करके रख दिया, एक बैठा है उस पार, एक बैठे हैं इस पार। ये वो कहानी है। अच्छा मुजफ्फर सर जी, इसका टाइटल पहले कुछ और था, उसके बारे में बताइए। टाइटल पहले था रक्स, और रक्स का भी मतलब हमने एक नया मतलब सोचा था कि एक रक्स एक भी एक एक जिसे कहना चाहिए कुर्बान होने का जज्बा है, कि जैसे परवाना शमा के चारों तरफ रक्स करके कुर्बान हो जाता है। लेकिन इत्तेफाक से हमसे गलती हो गई कि हमने सिर्फ इसको रजिस्टर कराने में देर कर दी, किसी और ने करा लिया। फिर जानेसार मुझे लगा कि ये वाकई जो परवाना जो ख़त्म होता है रक्स करके, असल में होता तो वो जानेसारी है ना। तो हम लोगों ने राय ली, हमारे संकल्प मेशराम बैठे हैं यहाँ, एडिटर साहब, हम लोगों ने काफ़ी से कुश्ती लड़ी टाइटल्स की। फिर लोगों का फैसला हुआ, मीरा ने भी कहा, पर्निया ने भी कहा कि रक्स से बेहतर है जानेसार। और मुझे लगता है ये टाइटल जो है जब लोगों के दिलों में इस जगह करेगा तो फिर इसमें पर भी लग सकते हैं। Imran, firstly, I want to ask you what made you step in Bollywood and who was your inspiration in Bollywood? Bollywood is definitely a very, very big industry. We all in Pakistan look up to Bollywood. Being a TV actor, I've been working in Pakistan for past 10 years. And ever since I started working, I was, you know, I had this aim to come to films. And when we come to when you talk about Urdu films or Hindi films, Bollywood is definitely the final destination we all think of. Mujhe bahut se log pasand hai, lekin PA diplomat hai nahi, lekin main Nasiruddin Shah saab ka kaam bahut pasand karta hu, and definitely Amitabh Bachchan. Nasiruddin Shah saab ka kaam mujhe bahut pasand hai, Dilip Kumar साहब, अमिताभ बच्चन जी की मुझे बहुत एक बात अच्छी लगती है कि उनके अंदर जो एनर्जी है, मेरे ख्याल है हम जो जवान हैं उनमें भी नहीं है इतनी ज़्यादा काम करने की सलाहियत, जो अभी तक वो जिस एनर्जी के साथ काम करते हैं और जिस क्वालिटी का काम वो करते हैं, तो उनको देख के मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, एक्टिंग भी और डेफिनेटली उनका स्टाइल ऑफ वर्क। यू नो दिस इज़ नॉट जस्ट अ फिल्म, दिस इज़ समथिंग यूनिक, अ मास्टरपीस। व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस एंड हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू? See, I'm an art student. Basically, I'm an architect. I graduated from National College of Arts, Lahore. And Muzaffar Ali Saab is a person, as an artist, I seriously idolize him. I always call him art personified. कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत नहीं, बहुत कुछ मिल गया। तो मैंने जब भी मैं आर्ट्स की बात करता था, क्योंकि मैं क्लासिकल ट्रेंड से थोड़ा सा मैंने म्यूज़िक भी सीखा है, शायरी से भी मेरा लगाव है, लिटरेचर से मेरा कनेक्शन है, पेंटिंग्स है, तो मैं जिन जिन चीज़ों के बारे में कभी सोचता था तो मुझे उमराव जान उसके अंदर एक पूरा का पूरा सब कुछ नज़र आता था। अ वेरी वेल डिज़ाइंड, वेरी ब्यूटिफुली कंपोज्ड एंड डिज़ाइंड, आर्टिस्टिकली डिज़ाइंड फिल्म। सो आई ऑलवेज वांटेड टू सी वंस इन माय लाइफ कि मुजफ्फर अली साहब से मैं एक दफ़ा मिल लूँ। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उनसे कम से कम मिल लूँ, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो वक्त आएगा कि कभी मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, इतना ज़्यादा मिलना पड़ेगा कि ये तंग आ जाएंगे मुझसे। लेकिन फाइनली मैं उनसे मिल लिया, और जब आप जानेसार देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये फिल्म इतनी खूबसूरती से बनाई गई फिल्म है, कि इसके अंदर छोटी छोटी डिटेल्स में जो आर्ट्स की काम, मतलब आर्टिस्टिकली इट्स सो ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड फिल्म, कि आपको इसमें पेंटिंग्स के सारे एलिमेंट्स नज़र आएंगे, आपको इसमें डिज़ाइन के भी, आपको म्यूज़िक का, आपको शायरी का, अदब का, वो सारी चीज़ें जो अब आपको देखने में बहुत बहुत कम मिलती हैं। और मैं यही आप सबसे कहूँगा कि इस तरह की कोई नहीं आएगा देखने में ये फिल्म ज़रूर, क्योंकि अब जो एक ट्रेंड पाकिस्तान हिंदुस्तान में चल पड़ा है फिल्मों का, तो उसमें बहुत सारी ऐसी फिल्में भी हम हिट कर देते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए कर देते हैं कि वो सब देख रहे होते हैं। लेकिन ऐसी फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए जिनसे एक जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, वो जो रेयर हमारे अंदर एक आर्ट्स की और जो म्यूज़िक की और
फिल्म मेकिंग की जो बातें रह गई हैं वो दोबारा से इस तरह की फिल्मों से रिवाइव होंगी डेफिनेटली. तो आप देखिएगा कि इसका आप एक छोटी छोटी दीवार के पीछे जो पेंटिंग्स हुई हैं उसके लिए भी जो आपने मुजफ्फर साहब ने जो कैलीग्राफी के लिए जो लोग बुलाए थे या आपको डिटेल्स आपको देख के अंदाज़ा होगा कि वो कितनी मेहनत और कितने प्यार से किया गया काम है. तो इस फिल्म का पार्ट बनना मेरे ख्याल लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात थी. As an actor, how difficult was it for you? It was definitely a very, very difficult, very, very difficult role because I was not playing someone who's from this age, who's a regular boy next door. मैं एक ऐसा लड़के का role play कर रहा था जो 1877 का है, जो अदब भी जानता है, जो literature भी जानता है, जो music भी जानता है, वो अंग्रेज़ भी है और वो साथ ही वो पूरा इस मिट्टी से जन्म लिया हुआ भी है. तो वो सारी चीज़ें प्लस राइडिंग, बहुत दफ़ा घोड़ों से गिरा फिर दोबारा बैठा क्योंकि सब लोग देख रहे थे तो ज़रा थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट हो रही थी, लेकिन सब कुछ सीखा इसके लिए. और बहुत से ऐसे आपको एक ऐसा सीन नज़र आएगा जिसमें पानी में घोड़ा चलाना था, दौड़ाना था, साथ मशल भी हाथ में थी, पीछे पर्णिया भी मेरे साथ थी कि अगर मैं गिरता तो पर्णिया भी गिरती, और पूरा एक घोड़ों का पूरा काफिला था हमारे पीछे. ये सारी चीज़ें सीखने की थी, ये मैंने इससे पहले कभी नहीं की थी. तो इट वाज अ लॉन्ग ट्रेनिंग व्हिच आई वेंट थ्रू. बीन वर्किंग इन इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 10 इयर्स एंड उनके लिए इतना मुश्किल रहा, सो इट्स योर डेब्यू मूवी, हाउ डिफिकल्ट और इजी इट वाज एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर रोल? आई थिंक बिकॉज इट वाज माय डेब्यू मूवी, इट आई हैड नथिंग टू कंपेयर इट टू, सो एवरीथिंग जस्ट फेल्ट वेरी वंडरफुल फ्रॉम द फर्स्ट डे बिकॉज आई थिंक आई वाज इन एन एनवायरनमेंट व्हिच वाज मोर लाइक अ फैमिली and less like a strict film set. Everybody was very loving, and the way Muzaffar sir trains you, it's very organic. You know, you have conversations with him, you sit with him, you spend time with him, so you don't feel like you're under pressure in that sense, you know, because he has a very lovely way of guiding and teaching. So I think I was made very comfortable from the very beginning. And more than being nervous or anxious, I was very excited the whole time. You know, I was like a child in a candy shop, you know, because I would get to like wear beautiful costumes designed by Meera ji, and I would get to work with choreographers who are dance legends. And I've always been a dancer. So for me to work with Pandit Birju Maharaj and Guru Kumudni Lakhia was a dream come true. So I was on this like ride where I was very excited the whole time, you know. So I had very less time for my nerves to kick in because I was just so thrilled to be there. And I think what was nice was that I was in my own little world. I just immersed myself in it and I didn't really think about anything else. So I think that's a good way to not get nervous. You know, when you just completely become a part of the team and the project and you don't think outside of it, then it's a good way to not think about, you know, the results and what other people will think. I think the best way is to just get completely inspired and become a part of your character, you know. So that was what it was like for me as a debutante. Dono ko is film mein pair karne ka idea aapko kaise aaya ki yahi hai Janisar ke main leads? Pehle Parniya ke bare mein batate hain. Ji. See, when I saw Parniya, I felt that she was Noor, you know. और नूर में क्या ख़ास बात थी, उसमें कुछ एक ऐसी अदा थी, कुछ ऐसे तेवर थे, जैसे एक डिटर्मिनेशन भी थी और नज़ाकत भी थी, एक अंदाज नाचने का भी था, एक अंदाज बयान का भी था. और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इनमें एक बहुत बड़ी डिटर्मिनेशन थी टू डू थिंग्स. यू नो, बहुत औरतें होती हैं, बहुत लड़कियाँ होती हैं जो हु कैनॉट आप यू फील दैट कहीं इनकी गैस निकल जाएगी, हवा निकल जाएगी. इनमें ये नहीं है, शी कैन डू वंडर्स, यू नो, शी इज़ अ मिरेकल वुमन एंड शी हैज़ परफॉर्म दिस मिरेकल इन दिस फिल्म विदाउट एनी इनके मतलब ज़रा सा भी तेवर में बल नहीं आए. एंड शी लर्न, वी ट्राइड टू इवॉल्व अ मार्शल आर्ट कॉल बिनवट विच वॉज अ मिक्सचर ऑफ सम कंकॉक्शन ऑफ कराटे एंड Binwat, you know, and she did it in such a beautiful way. You must have seen little bits of it, and that she really disarmed those Brits, you know, whoever was there. So she's got, she's a genius, I think. You know, there's nothing short of that, and inshallah she'll go very, very far. And I think that was to me the best choice I've made. You know.
then as far as Imran is concerned, I needed a dreamer. I needed somebody who is going to be transformed, who is going to be so wonderful to look at the same time a bit influenced by the British. I mean, he had very regal and very gentle, and then stuck in his ways ki main jo janta hu wahi sab kuch hai, main angrez jo hai wahi sabse badi cheez hai, vilayati cheeze sab achhi hoti hain, jo ab ho gaya hindustani mein, main pakistan mein bhi kya ab bhi angrezi cheeze jo hai wo sabse ala aur behtar hain. And how he sees through her eyes the ethos of the land, the anguish of the people, and that's what he could bring to the table. I think that journey and that transformation is something you can still read in his eyes, you know. To me, it was like he's telling a story. You don't have to watch the film, just look at his eyes. And you feel that this man is doing a cerebral job of it, you know. So between these two, I think the chemistry was mind-blowing. I can't say it anymore because ultimately, aap log jo hain, jo darshak hain, jo humare isko dekhenge, wohi bata payenge ye chemistry chali ya nahi chali. Lekin mera to khayal tha ki ye chemistry jo hai, isme ek alag tarah ki ek sachai hai, which we could bring to the table. Hello. मीरा जी, आपने इस फिल्म के कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए हैं, उस समय के कॉस्ट्यूम के साथ की ज्वेलरी के लिए भी आपने मतलब कितनी मेहनत की एसेसरीज और ज्वेलरी के साथ? ये 1877 का दौर है और कॉस्ट्यूम्स तो उस वक्त के थे, लेकिन उस वक्त जो है एक विक्टोरियन इन्फ्लुएंस भी हिंदुस्तान में आ चुका था, तो उन दोनों को हम लोगों ने मिक्स करने की कोशिश की, ख़ास तौर से जो मेल प्रोटैगनिस्ट हैं अमीर के ज़रिए. और जहाँ तक ज्वेलरी का सवाल है, तो ज्वेलरी में हमको ऑथेंटिक ज्वेलरी चाहिए थी उस वक्त की, क्योंकि अब देखिए उस तरह का काम आज भी बनता है, लेकिन जो अवध की ज्वेलरी की नज़ाकत है, जो वहाँ पर ख़ास तरह का जड़ाऊ और पोलकी पहना जाता था, उसी को हमें दिखाना था. और उस जड़ाऊ और पोलकी में एक सारी ज्वेलरी में एक अजीब तरह की लचक होती थी जो पहनने में खूबसूरती से हिलता था. तो वो हमको वी वर फॉर्चुनेट कि अम्रपाली के थ्रू हम उनकी पुरानी कलेक्शन से ऑथेंटिक ओल्ड ज्वेलरी ले पाए परनिया के किरदार के लिए. और उन्होंने हमारी बहुत मदद की, काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें जो उनके पास थी वो हमें लोन करी, और जो नहीं थी वो फिर हमको इधर उधर से उन्होंने ढूंढ के दी. कुछ हमारे पास पुराना था, कुछ इधर उधर से लेके हम लोगों ने इसको इकट्ठा किया. लेकिन इट वाज टुक अस अबाउट 6-7 months जस्ट टू पुट द ज्वेलरी टुगेदर फॉर द होल फिल्म. काफ़ी वक्त के बाद आपका बॉलीवुड में फिल्म आई है. सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी जो उमराव जान और जानी सर, काफ़ी कुछ सिमिलर है. आपकी जो फिल्म लखनऊ में ही वो भी शूट हुई थी, देन लैंग्वेज जो अवधि यूज़ की गई थी, तो ऐसा क्या लगाव है लखनऊ से आपका? आप कहाँ की हैं? लखनऊ. आप भी लखनऊ की? जी सर. अरे वाह, तो आपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया. ना आप बदली ना हम बदले. तो असल में क्या, एक हिंदुस्तान का कोई भी खित्ता हो, कोई भी जगह हो, उसको वक्त के साथ देखने में मज़ा आता है. कुछ चीज़ें बदलती हैं, कुछ चीज़ें आपके हिसाब से बदलती हैं, कुछ आपके मिजाज के ख़िलाफ़ बदलती हैं. तो इस बदलाव को देखना जो है, यही बड़ा एक सबसे ज़िंदगी का सिनेमा है. और जो इस ज़िंदगी के सिनेमे से करीब आ जाता है, उसको हर चीज़ में सिनेमा दिखाई देता है. और जो इस ज़िंदगी के सिनेमा से करीब नहीं आ पाता है, उसको फिर सहारा लेना पड़ता है हॉलीवुड का, इधर का, उधर का. तो ज़िंदगी के सिनेमा को समझना जो है, तो उसमें देखिए जो लखनऊ का आदमी है वो उसको फ़र्क भी बहुत नज़र आएगा, और कुछ हवा भी कॉमन मिलेगी कि ये सांस तो वहीं ले रहा आदमी, वही बारादरी है, वही दरो दीवार हैं, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, तो दीवार उधर भी वही है.
लेकिन दर्द बदल गया है, आदमी का के तेवर बदल गए हैं, आदमी के जज्बात बदल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो एक जिस तरीके से आप ज़िंदगी को देखना चाहते हैं वो भी बदलती है उसी तरह से। तो उसी वही फ़र्क है, और एक बहुत दिलचस्प फ़र्क है जो नौजवान देख चुका है और जो ये देखेगा उसको एक अजीब सा लुत्फ आएगा, जो लुत्फ मैं खुद बयान नहीं कर सकता हूँ, वो देखने वाले को ही समझ में आएगा कि वो लुत्फ क्या है। अगर मैं कुछ और, मैं तो बहुत कुछ उसके बाद भी मैंने बनाया, लेकिन ये कहीं ना कहीं आई हैड टू पिक अप दिस थ्रेड, बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थ्रेड, एंड अभी वहाँ बहुत थ्रेड्स पड़ी हुई हैं जो उस तरह की भी हैं, उससे हट के भी हैं, उस इस दर्द का हिस्सा भी हैं, और इससे बड़े बड़े दर्द के हिस्से हैं। तो जितना भी हम तो फ़कीर आदमी जो हमको मिलता रहता है, मतलब भीख में वो हम समेटते रहते हैं, तो सबसे बड़ी भीख तो आपका वतन ही आपको देता है। जी सर जी, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, उमराव जान में रेखा जी ने परफॉर्म किया था एंड इस फिल्म में प्रेरणा जी करी है, तो आपने ये कहा था कि पर्निया आई एम सो सॉरी, तो आपने ये कहा था कि शी इज मच बेटर देन रेखा जी, इज इट ट्रू? नहीं, मैं ये गलती कर दूंगा तो मुझे बम्बई छोड़ना पड़ेगा। नहीं सर, कहीं ना कहीं आप डिफरेंस बता सकते हैं इस चीज़? नहीं यार, आपने नहीं कहा सर, आई मिस्टेक, बट मैं नहीं, बट डिफरेंस तब का और अब का? नहीं, मैंने नहीं कहा था, दैट इज ओके, मैंने ये कहा था, हां कुछ कहा था, मैंने कहा था शी इज अ डांसर, यू नो, एंड शी रियली डांस्ड हर वे थ्रू द सॉन्ग, एंड शी कुड गिव मी एग्जैक्ट कट्स, यू नो, where I wanted according to different lensing patterns and camera movements, you know. So this is what she brought. Everybody has got something to offer, you know, and she had dance to offer, and she brought the dance from her soul. Rekha had a very, very different emotion to offer. She had an angst to offer. She had something to offer again, which was very rare, you know. So I can't, you know, main apne ek bacche aur dusre bacche mein farq kaise kar sakta hu? Sir, according to you, what is the relevance of a film like Janisar in today's times? This is something which I'd like people to discover. Because I think kahin na kahin humne apna ek culture ko kahin humne bye bye keh diya hai. Aur wo culture humare liye bahut zaruri hai. Aur jo humne apne, we've been brought down in our self-esteem. जो हमारी सेल्फ इस्टीम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और आप अंग्रेज़ों ने जान के आपकी सेल्फ इस्टीम गिराई, और उन्होंने आपको अपने रंग में रंगने की कोशिश की, और रंग में इस तरीके से रंगा कि फिर आप को अपनी चीज़ जो है वो कमज़ोर और कम नज़र आने लगी। तो ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि अगर लोगों को एहसास हो जाए कि दे शुड हैव अ प्राइड इन बींग एन इंडियन, यू नो, that pride in being an Indian अब एक नए तरीके से जगाई जा रही है, without going into the जो बीच के नक्शे कदम हैं वो सब साफ हो चुके हैं। अब आप आज के नक्शे कदम एकदम से उठाएंगे तो आपको समझ में आया कि what is there to be proud in Indian, सिर्फ झाड़ू पंजा करने से आदमी थोड़ी प्राउड हो जाता है। जब तक आपके अंदर दिल आपका में गुदाजी नहीं है, दिल में नरमी नहीं है, तब तक आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। तो ये एक जो खास जज्बा था हमारे कल्चर का, जो हमारे फाइन आर्ट्स में था, जो हमारी पोइट्री में था, अब आपको यही नहीं मालूम कि पिछले साल 100 वर्ष में हमने कितने इमोशंस अपनी पोइट्री में डाले हैं, आप यहाँ किसी को मालूम है? सब खत्म हो गए, किसी को मालूम है? आपको ये तो मालूम हो सकता है कि अंग्रेजी पोइट्री में कितने कितने आपको रंग और इमोशंस और कलर्स और फीलिंग्स मिलेंगी, लेकिन आपकी अपनी जो धरती की भाषाएं हैं उसमें आपने क्या क्या जलवा किया है आपको नहीं मालूम। तो जब तक आपको वो नहीं मालूम तब तक आप हाउ कैन यू फील, आप गर्व से ये कैसे कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं? तो आप सब, और हमारे लिए तो देखिए कश्मीरी में लिखा हो तो भी उसका वही एहतराम है, वही इज्जत है, जो हिंदी में लिखा हो तो भी वही है, मराठी में लिखा हो, गुजराती में लिखा हो, और उर्दू में भी लिखा हो, उर्दू इसी जमीन की पैदाइश है, कहीं बाहर से नहीं आई है। तो उर्दू के खिलाफ भी एक मतलब वो हो रहा है, लेकिन अब जो उर्दू इस्तेमाल की जा रही है वो बाजारू उर्दू है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो हमारी उर्दू जिसमें हमने अपने तमाम एहसास पिरोए थे ना, वो कहाँ गई? वो किसी को नहीं मालूम।
और आहिस्ता चलो रह गुजरे हस्ती में, कहीं ये सिलसिला नक्श कदम टूट ना जाए। तो ये सिलसिला नक्श कदम को बचाना एक फिल्मकार का पहला कर्तव्य है। तो इसीलिए मैं बॉम्बे में कम रहता हूँ, ताकि मैं कम से कम वो अपने नक्श कदम पर गौर करता रहूँ। अबाउट अबाउट द म्यूजिक सर, हाउ इज द म्यूजिक ऑफ द फिल्म यू हैव गिवन, मतलब किस तरह का सॉन्ग? देखिए एक बात बताऊँ आपको, जो म्यूजिक और म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है वो एक ऐसा नशा है, मैं उसका बयान नहीं कर सकता हूँ। जो मैंने गमन में जयदेव जी के साथ मुझे मिला, जो मुझे उमराव जान में, अंजुमन में, जूनी में, खयाम साहब के साथ मिला, गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के साथ मिला, वो मिलना बहुत मुश्किल काम है आज के माहौल में। और ना उन लोगों के पास इतना वक्त है यहाँ पर लोगों के पास, ना उनके पास इतना मतलब ज़खीरा है। तो इसकी म्यूज़िक हमने की है, हमारे दोस्त हैं शफकत अली खां, उनके साथ मिल के की है, और इन और अब हमारे वो जो दोस्त शहरियार साहब वो भी नहीं रहे। तो मैंने इसकी जो शायरी है वो एक नए तरीके से ईजाद की और ढूंढी। मुजफ्फर ऑन योर लेफ्ट सर, जिस तरीके से आजकल बॉक्स ऑफिस पर हम देखते हैं कि खान राज चलता है, और साथ ही आज की जिस ऑडियंस की आप बात कर रहे हैं वो फास्ट मूवीज़ देखना ज़्यादा पसंद करती हैं, जो आती हैं और चली जाती है, तो आपको लगता है इस तरीके की एक हिस्टोरिकल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर सकती है, और क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? ये तो आप ही करेंगे कमाल, मैं थोड़ी कमेंट उसको करना करता हूं। बट कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी आपकी भी कि लोग टारगेट ऑडियंस होगी आपकी? हमारी टारगेट ऑडियंस तो एक तो जिन लोगों के दिल धड़कते हैं ना वो है, जिन लोगों के दिल पत्थर हो गए वो हमारी ऑडियंस नहीं है। तो अब पता नहीं, आजकल तो दिल के भी डॉक्टर होते हैं, दिल के अस्पताल भी होते हैं, अब तो दिल धड़कता भी नहीं है। जाने क्या हो गया अहले गम को, दिल धड़कता है तो डर जाते हैं। तो आजकल ना दिल धड़कने, दिल के धड़कने में हिम्मत है, ना दिल के धड़काने में हिम्मत है। तो अब पता नहीं क्या हशर होगा, आप लोगों के हाथ में है, हमने जो करना था कर दिया। वी हैव रूम फॉर वन लास्ट क्वेश्चन। यस मैम, as we all know that you are a fashion entrepreneur and you have your own website, so did how were you inspired by the clothes in this film, and will we get to see some of them on your website? Yes, you will. Everything about this film I absolutely loved, from getting to dance to the dialogues, my character. But I have to say the costumes have been a major highlight. For somebody like me, I'm a girly girl, I love to dress up. I love traditional clothes, and the way these clothes were designed so exquisitely, and they're traditional but yet they're so like innovative and unique, and obviously it's all couture, you know. And so we thought that for Pernia's pop-up shop, what Meera ji and what the House of Kotwara is doing is that they're making a special collection, yeah, only for Pernia's pop-up shop, yes, which is a Pret collection. So it will not be as expensive, but it is inspired by the film. So it's inspired by my character Noor's costumes. And what I love about that is that now everybody, all the girls, can pick it up and wear it, you know, which is really nice. Because I think this film, in terms of costumes for women and men, is really going to set a trend. We seen the fashion show that happened in London, so can we get to see something in Mumbai? I'll let Meera aunty answer that. I hope so. We're looking at some opportunities to put together a show like that in Bombay and Delhi. Thank you so much. Well, friends, I know there are many questions, but before that, ek baat to hai ki we have the beautiful presence of Mr. Daleep Tahil as well as sir, firstly, I'm going to welcome you. And Muzaffar sir, I'm going to request you to please even elaborate about their roles. And if, or maybe sir, if you'd like to. Yes, sir. सामने है तो आपको देख के लोग फिर उसके हिसाब से रोल बताया जाएगा। We have Mr. Daleep Tahil. We also have Mr. Papu Pollister here. In fact, thank you very much, sir, for joining here. Papu भाई आप भी हैं। एक नंबर कोई राज है क्या? है? तो हमारे दलीप ताहिल जो थे वो इनके नाना थे, फिल्म लगते हैं नाना। और पप्पू साहब जो थे उनकी लड़की थी जो इन्हीं की तरह थी,
और ये ख्वाहिश थी कि इनसे शादी हो जाए उसकी, और बीच में पढ़नियाँ कूद पड़ी, तो बताइए क्या हो सकता है बताइए क्या हुआ, आप तो परेशान हो गए थे, दिल टूट गया था आपका, फोटो भी खिंचवाई थी आपने उस लड़की की, इनको कमिश्नर साहब को दिखाई भी थी, और इन्होंने जो रोल किया है वो वाकई ही इज़ द बैकबोन ऑफ द फिल्म, और इनका एक ख़ास रोल था कि ये कथक में बात करते थे, कुछ अदाएँ लेके कथक की, और इन्होंने चूड़ियाँ पहन ली थी, अब इत्तेफाक से इनके हाथ माशाल्लाह कलाइयाँ इतनी मोटी हैं कि इनके हिसाब की चूड़ियाँ मिली नहीं, तो पता नहीं कैसे हम लोगों ने क्या इंतज़ाम करके, लेकिन वो हिल नहीं रही थी जिस तरीके से हिलना चाहिए था। तो अब आप खुद ही बताएं कुछ अपने बारे में, अपने किरदार के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज यहाँ आए, और मुजफ्फर अली साहब के तरफ से और चांदनी सर के सारे कास्ट से मैं आपका स्वागत करता हूँ। जब मुजफ्फर अली साहब ने मुझे इस फिल्म के लिए बुलाया, और दोबारा है ये मेरे ख्याल से जब हम साथ में काम कर रहे हैं, तो मैं तो मुजफ्फर अली साहब का हमेशा बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, उनकी सारी फिल्में देखी हैं, और मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जहाँ मुजफ्फर अली साहब की बात है, लोग फिल्में ज़रूर बनाते हैं, लेकिन ये कुछ कैमरा के साथ साथ कुछ पेंट ब्रश के ज़रिए भी फिल्म बनाते हैं, जिनमें हर फ्रेम और हर फिल्म की जो एस्पेक्ट्स होती हैं, जहाँ मतलब फ्रेमिंग होती है, या गाने का आप देख लीजिए, या डांस है, उसमें हर एस्पेक्ट में इनका जो मतलब इनकी जो टच है, वो मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ है जो मैंने पहले हमारी फिल्म इंडस्ट्री में मैं नहीं देख पाया। आप लोगों को बहुत आदाब, सलाम और नमस्ते सभी लोगों को। मैं बहुत खुश हूँ, और मेरी तमन्ना और मेरी ख्वाहिश थी कि मुजफ्फर अली साहब के साथ मैं काम करूं, और मुझे वो तमन्ना मेरी पूरी हुई, और बहुत ही अच्छा काम है, और बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई, और इस कदर इतने दिनों बाद, बरसों बाद जैसे लगेगा कि कोई फिल्म आई है और लोगों को पसंद आएगी, और उसको सभी लोग इन्जॉय करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक तबका इन्जॉय करेगा, एक तबका नहीं करेगा, सभी इन्जॉय करेंगे, सभी के लिए उन्हीं ने ख्याल रखा, और फिल्म जो बनाई है उन्हीं ने, आज उमराव जान को देख लीजिए, इतने बरसों गुजर गए हैं, मगर उमराव जान जैसी कोई दूसरी फिल्म आ ना सकी, और बनाई भी लोगों ने तो वो चल ना सकी। तो सवाल ये है कि उमराव जान जो फिल्म बनी, उसको आप देखिए हर तरह से, उसको मैं तो अपने पास रखी, हफ्ते में एक बार ज़रूर देखता हूँ, और इतनी अच्छी फिल्म बनाई, वो ऐसी ही इस फिल्म में मैंने काम किया, उसको दिल से, जान से, जैसा होता है तन मन धन सब लगा के उन्होंने फिल्म को बनाया, और एक एक चीज़ के सीन के बारे में सोचना, ऐसा नहीं है कि जबान है, कपड़े हैं, ड्रेसेस हैं, डायलॉग हैं, हर चीज़ के ऊपर बहुत दिल और दिमाग से और बहुत जहन से काम किया गया है, और दिल लगा के, और फिल्म बहुत अच्छी बनी है, और हम मीरा जी का भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने भी हमारी बहुत अच्छी ड्रेसेस बनाई और बहुत ही मेहनत की है, और सभी लोगों ने बहुत मेहनत से, पूरी टीम ने इसमें काम किया, और जो चुनी टीम थी वो भी चुनिंदा लोगों को चुन के काम किया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से काम हुआ। मैं इस फिल्म के लिए आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि जैसे मुझे इसके लिए है कि मैंने करेक्टर इसमें राजा महाराजा पिलोई का करेक्टर किया है, और बहुत ही अच्छा करेक्टर है, मैं तो एक कुम्हार की मट्टी हूँ, और मुजफ्फर साहब ने उसको जिस तरह ढाला मैं उस तरह काम किया है, अब आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग इंजॉय करेंगे। थैंक यू। शाद वाज हियर माय सन। यस सर। आई डोंट नो वेयर ही इज ऑन शाद। ही इज आउटसाइड। ही वाज देयर व्हेन आई वाज डूइंग माय रोल, एंड ही इज ऑलवेज सेइंग पापा डोंट डू दिस, पापा डू दिस, पापा डोंट डू दिस। सो ही रिमाइंडेड मी ऑफ माय ग्रैंडसन, एंड माय ग्रैंडसन इज आल्सो समवेयर आउटसाइड। But it was a nice family experience to work on this film, and I thank you all for coming here and giving us this occasion to exchange our feelings and thoughts about Janisar. Thank you once again. Well, yes, time for photo session again.